हम में से बहुत सारे लोगों ने गार्लिक ब्रेड खाया होगा और वो उनकी फेवरेट भी होंगी। तो आज की रेसिपी इंस्पायर्ड है अपनी फेवरेट गार्लिक ब्रेड से, लेकिन आज हम बनाएंगे गार्लिक ब्रेड बाइट्स, जो बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में उतनी ही ज्यादा टेस्टी है और दिखने में तो और भी सुंदर है। तो चलिए आज बनाते हैं चीजी गार्लिक ब्रेड बाइट्स। हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मेल्टिंग माउथ, आपका स्वागत है। ब्रेड बाइट्स बनाने के लिए हमने मैदा लिया है, दूध लिया है, मोजरेला चीज लिया है। आपके पास मोजरेला चीज ना हो तो आप कोई भी चीज ले सकते हैं। एक्टिव ड्राई ईस्ट लिया है, नमक लिया है, चीनी लिया है, ओरिगैनो लिया है, ऑयल लिया है, बटर लिया है और थोड़ा सा गार्लिक लिया है। सबसे पहले एक बर्तन में हल्का गर्म दूध लें। दूध बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए और ठंडा भी नहीं होना चाहिए। इसमें चीनी डालें और एक्टिव ड्राई ईस्ट डाल के अच्छे से मिला लें। अगर आपके वहाँ मौसम बहुत ठंडा हो तो इसे ईस्ट को एक्टिवेट होने के लिए किसी गर्म जगह पर रखें, जैसे माइक्रोवेव को 1 मिनट चलाकर बंद कर लें या ओवन को हल्का सा गर्म करके बंद कर लें, फिर उसमें ईस्ट को एक्टिवेट होने के लिए रख दें। लगभग 10 से 15 मिनट के बाद जब ईस्ट एक्टिवेट हो जाएगा तब इसमें आप ऑयल डालें और मिला करके एक तरफ रख लें। आप एक दूसरे बर्तन में मैदा और नमक को छान लें और उसमें ईस्ट का एक्टिवेटेड मिक्सचर मिला दें। ब्रेड बाइट्स की इस रेसिपी को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बिकॉज ये रेसिपी देखने में जितनी सुंदर लगती है खाने में उतनी ही ज्यादा टेस्टी होती है। आप अपने बच्चों के सामने या किसी भी गेस्ट के सामने इसे पेश करेंगे तो वो जरूर पूछेगा कि आपने इसे कैसे बनाया। अब अपने हाथ से इसे अच्छे से मिक्स करें। मिक्सचर अगर जरा सा भी ड्राई लग रहा है तो इसमें 1 या 2 चम्मच दूध डालें और उसे फिर अच्छे से मिलाएं। इसे अपने हाथ से अच्छे से मिक्स करें और गूंथ करके अब हमें इसका डो बनाना है। यस, दिस इज गोना बी मेसी बट इट्स वर्थ इट। अब हाथ में थोड़ा थोड़ा सा ऑयल लगाते रहें और डो को लगभग 10 से 12 मिनट या 15 मिनट के लिए गूंथें। शुरू में तो ये डो काफ़ी स्टिकी होगा, आपकी उंगलियों में हाथ में चिपकेगा, बट ग्रेजुअली आप देखेंगे कि ये धीरे धीरे सॉफ्ट होने लगा, इसकी स्ट्रेचेबिलिटी बढ़ने लगती है और डो मुलायम हो जाता है और नॉनस्टिक हो जाता है। ब्रेड्स की एक खासियत होती है कि द मोर यू नेट द सॉफ्टर दे विल बी, मतलब आप जितना उसे गूंथेंगे वो उतना ही ज़्यादा सॉफ्ट और एयरी बनेगा। देखिए लगभग 10 से 12 मिनट हमने गूंथा और हमारा डो कितना ज़्यादा स्ट्रेची और सॉफ्ट हो गया है। इसे दबाने पर ये फिर से बाउंस बैक करता है। अब एक बर्तन में थोड़ा ऑयल लगा लें, थोड़ा ऑयल डो पे भी लगाएं और फिर इसे क्लिंग रैप से ढक करके या किसी टॉवल से ढक करके किसी भी गर्म जगह पे लगभग 2 घंटे के लिए राइज होने को छोड़ दें। 2 घंटे के बाद आप देखेंगे कि हमारा डो कैसे राइज कर गया है, एकदम अपने साइज का डबल हो गया है। इसे बोल से निकालें और डस्ट किए हुए जगह पे इसे एक बार और सॉफ्ट करें, स्मूथ करके गूंथें। अपने हाथ से ही डो को एक स्क्वायर शेप में ले आएं, जिससे इसे कट करके छोटे छोटे पीसेस में करना आसान हो जाए। एक बेकिंग ट्रे लें और उस पर शीट लगा लें, उसे लाइन कर लें। अगर आपके पास कोई बेकिंग ट्रे नहीं हो तो आप केक का पैन भी ले सकते हैं। डो को पिज़्ज़ा कटर या नाइफ की मदद से बराबर के टुकड़ों में छोटा छोटा काटें। डो का एक छोटा पीस लें और उसे अपनी उंगली की मदद से थोड़ा सा फैला करके इसमें मोजरेला चीज या जो भी चीज़ आपके पास हो उसे फिल करें और नीचे को सील कर दें। सील करने के बाद आप इसे थोड़ा सा अपने हाथ से बॉल का शेप दें। एक एक करके सारे बॉल्स बना लें और एक दूसरे से सटा करके इसे ट्रे में रखते जाएं।
ये राइज होगा तो अपने आप एक दूसरे से चिपक जाएगा। जब सारे बॉल्स रेडी हो जाएं, तो हम इसे आधे घंटे के लिए और राइज होने के लिए छोड़ देंगे। आप चाहे इसे टॉवल से ढक दें या क्लिंग रैप से ढक दें। मीनवाइल हमें गार्लिक का और बटर का पेस्ट बनाना है। इसके लिए हमने गार्लिक को कद्दूकस कर दें या थोड़ा कूच लें और बटर पिघला के उसमें गार्लिक मिलाएं, साथ में ओरिगैनो भी मिला दें। अब इस मिक्सचर को ब्रश या स्पून की मदद से ब्रेड बॉल्स के ऊपर अच्छे से लगा दें। अब टाइम है इन्हें बेक करने का। प्रीहीटेड ओवन में 180 डिग्री पे इन्हें 20 मिनट के लिए बेक करें, जब तक कि ये हल्के रेड या ब्राउन ना हो जाए। लीजिए, हमारे ब्रेड बाइट्स बेक हो गए। जब ये एकदम गर्म रहे, तब इस पे थोड़ा सा बटर और लगाएं। इससे उनका टेस्ट और इन्हांस हो जाएगा और बढ़ जाएगा और ये हमेशा सॉफ्ट बने रहेंगे। तो आपको हमारी ये चीज़ी गार्लिक ब्रेड बाइट्स की रेसिपी कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हमें पूरी उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। आप इसे ज़रूर बनाइएगा, ये सबको पसंद आएगा क्योंकि इसका टेस्ट इतना अच्छा है और ये देखने में इतनी सुंदर है कि कोई इसे रेजिस्ट नहीं कर पाएगा और एक एक पीस उठा करके सब खाएंगे।